सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और इस वक्त आप देख रहे हैं बागेश्वर सरयू नदी का रौद्र रूप। कल जो है बहुत अधिक बारिश होने से ये जो पूरा प्लेटफॉर्म था, इससे पहले जो वीडियो डाला है ये सारा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था, लेकिन अब जो है नदी थोड़ा कम हो गई है क्योंकि कपकोट क्षेत्र से ये पूरे बहकर ये नदी आती है और उस क्षेत्र में जब बारिश कम हो जाती है तो फिर जो है नदी का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर आया था तो मेरी ये कोशिश थी कि आपको ये दिखाने की। और यहाँ पर जो भगवान शिव की मूर्ति है, जो पत्थर में चित्र बनाया वो आप देख सकते हो, वो लगभग ये है। और कल तो ये मतलब जब इस क्षेत्र में जब ये पूरा क्षेत्र जो था भर चुका था और इसका पता नहीं लग पा रहा था ये कितना हो रहा है। तो उत्तराखंड जल पुलिस जो है यहाँ पर है, निगरानी में है। और ये इससे पहले जो वीडियो डाला था ये सारा जो था तब जलमग्न हुआ था। ये नगर पालिका द्वारा जो छत जैसी दिख रही है ये बैठने के लिए सुविधाएं हैं लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए। और इस क्षेत्र में ये देखिए सरयू आरती की तैयारी चल रही है और आज जो है सरयू आरती अपने नियत स्थान पर नहीं होगी क्योंकि नदी का जो है कोई अंदाज़ा नहीं है, वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। और जो लोग जो हैं वो इस पुल में जो है पूरा आनंद लेते हैं और यहाँ पर की जो जितना मतलब जो यहाँ की लोकेशन है उसका आनंद लेते हैं। तो मेरी कोशिश थी आपको ये दिखाने की कि बागेश्वर में चल क्या रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं बताएंगे तो फिर आप भी कहोगे कि यहाँ हो क्या रहा है करके। क्यों और हमारे भाई साहब सामने खड़े हैं यहाँ। राजू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, बच्चे कल तो बड़ी जबरदस्त कल तो भयंकर बारिश हुई यार। कल तो ऊपर तो भयंकर जो लाग रहा है भयंकर। और ये गार्ड क्या था आपके? तकरीबन दो बजे के आसपास से हाँ जल स्तर बढ़ा हुआ। ये देखो तो गोमती भी आई है, गोमती भी आई है। और ये है गोमती है और सामने जो है दशनाम जूना अखाड़े में जो है गोमती है, माताओं का भजन कीर्तन चल रहा है। तो यही बात है, बागेश्वर की बात ही अलग है, बात ही अलग है बागेश्वर की। वो देखो यार वहाँ, वो देखो जय माता दी। तो मैं गोमती की बात कर रहा था। और जब गोमती आती है तो ये भी बहुत रौद्र रूप लेके आती है, लेकिन अब जो है इक्वली दोनों जो है बराबर में है, सरयू भी गोमती भी। और जल स्तर बढ़ा हुआ है, सरयू का ज्यादा बड़ा है, गोमती का थोड़ा कम है। क्योंकि गरुड़ में मान्यता ये है कि एक उग्र है तो एक एक शांत है, सरयू शांत में आती है, गोमती जो आती है उग्र में आती है। जिस दिन सरयू उग्र होती तो उस दिन गोमती शांत हो जाती है। तो यार जिस दिन तो मेरे सामने एक मतलब यार क्या कहूँ, लता आई है। लता दो शब्द यार मेरे लिए। मैं ना बता ये देखना आई थी कि जो कदाद वीडियो वायरल हो रही ना उसमें कितनी सच्चाई है, वो कदाद थी उसमें मानती हूँ, लेकिन अभी का नजारा मैं देखना चाहती थी लाइव। देखो लता बहुत अच्छा, पूरी व्यवस्था के साथ आई है। ये देखो पूरी व्यवस्था के साथ आई है, चलान नहीं हो रहे इधर में। तो लता के वीडियो बहुत जबरदस्त होते हैं। लता क्या नाम से है तेरा वीडियो? लता प्रसाद। लता प्रसाद नाम से है और सारी वीडियोज जो है ये सब डालती है। बड़े लोग के चैनल पर प्रचार हो गया। ये देखो ये प्रचार बने मैं सच बनी है। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो की तो यार मिला जमुनी का हंसला हुआ। और वहाँ पर देखो माता है जो डांस कर रही है ना, तो मैं आगे से दिखाता हूँ जरा। और यहाँ पर आया हूँ तो मैं सरयू आरती जरूर दिखाऊंगा जिसकी तैयारी चल रही है। ये आज अपनी
रेगिस्तान में नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ जो है बाढ़ आई है, मतलब बाढ़ आने का खतरा है। इससे पहले होता क्या था, यहाँ पर होती थी। और ये खूबसूरत जो मूर्ति है भगवान शिव की, ये लोकप्रिय विधायक रामदास जी द्वारा बनाई गई है और जो है ना मतलब यादगार है हमारे बागेश्वर की। मजा आता है। और पुष्कर गिरी महाराज जो है सबसे बड़ा डमरू लेके आए हुए हैं। दिवांशु मजा आ रहा है। चलो चलो, तो अब जो है मैं आगे से भी दिखाता हूँ, आई लव बागेश्वर के आगे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये पुल में मैं अभी चल रहा हूँ, पुल जो है बात ही अलग है यार, मतलब इतना इसमें वो रहता है, मतलब रस रहता है कि लोग जो है सब जो है यहाँ पर आकर आनंद लेते हैं। और लता जो है अपने ब्लॉग की तैयारी कर रही है, क्योंकि जो लोग यूट्यूब अधिक चलाते हैं तो वो लोग अपने ब्लॉग व्लॉग बनाते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि जानकारी करी। और लता का लोकेशन ये वाला आने वाला है एडवांस, तो उनको बता दे रहा हूँ कि लता पूरी तैयारी कर रही है। हेलो, अरे यार मैंने सोचा मेरे वहां को कर रहे हैं यार, बताओ। धन्यवाद। देखो यार ये वो कहते हैं ना शिकार, खुद शिकार हो रहा है वाला हिसाब होते हैं। कहते हैं ठीक है, तो भगवान शिव की जो मूर्ति है मैं दिखाना चाह रहा हूँ यार। हमारे तो गरीबी रेखा वाले मोबाइल है ना, हैंग हो जाते हैं। देख अब चल गया, चल गया। लो आपके लिए कैश कर सकते हो। क्या बात है यार, ये है भैया हर हर महादेव। क्या बात है दोस्तों, एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, भगवान शिव जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और मैं सामने दिखाऊंगा बागनाथ मंदिर, जब यहाँ आए तो यार बागनाथ मंदिर ने दिखाया फिर बात ही क्या है यार। ये है बागनाथ मंदिर, क्या बात है यार। और ये है सरयू गोमती का संगम। क्या जी, क्या भूल गया, कहाँ जाना है? अरे तो कॉपी लेने अच्छा है यार, मैं भूल गई थी। देखो यार मेरा लड़का कह रहा है कि पापा आपने कॉपी लेने आया ना है, और मैं अरे जी कॉपी लेने, मैं पूछ गई यहाँ यार, जो खराबी थी यार भाई को। और देखो उत्तराखंड पुलिस जो है हमेशा मुस्तैद रहती है, और अभी जो है सामने ड्यूटी कर रही है, और जिनका जो है कोशिश है कि यहाँ जो है लोग जो है पूरी तटस्थता रहे। कल रात की इनकी ड्यूटी थी और रात भर ये लोग जागते रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि लोगों को पूरी, ये देखिए क्या बात है। सबको नमस्कार, ठीक है ठीक। हेलो आते लालो, ठीक है रहो। तो ये है आई लव बागेश्वर, मैं जिसका जिक्र कर रहा था, क्योंकि हर एक जो है ना यहाँ पर फोटो खिंचाना जाता है, और जब फोटो खिंचाता है तो फिर बात ही अलग। ये हमारे अध्यक्ष सुवे खेतवाल जी ने बना रखा, और यहीं पर जो बैठने के लिए व्यवस्था बनी है वो ये है यार। तो ये क्षेत्र जो है ना, ये देखो यार अध्यक्ष जी थैंक यू यार, मैं मतलब दिल से कहता हूँ आपसे कि आपने जो ये वाली व्यवस्था की ना। नमस्कार। तो ये वाली जो बैठने की व्यवस्था की है ना, देखो यार हर कोई जो है फैमिली के साथ बैठता है, एक ऐसा स्थान तो होना चाहिए जहाँ जो है लोग परिवार के साथ बैठे, तो वही भावनाओं का कद्र करते हुए हमारे पालिका अध्यक्ष सुवे खेतवाल जी ने ये व्यवस्था बना रही है। और यहीं से मैं तुमको सरयू नदी का नज़ारा दिखाता हूँ। आई लव बागेश्वर, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। दीपांशु
तू बोर हो रहा है बेटा? अरे जो वहाँ पे ये लाइट है हाँ। किसी ने तोड़ दिया है। हाँ यार एक तोड़ दिया बेटा। हाँ वो कह रहे थे हम सही करने वाले हैं भी कह रहे थे। तो आज जो है सरयू आरती जो है अपने नियत स्थान में नहीं है यार। ये देखो इतना उफान आ रहा है। वो उत्तराखंड जल पुलिस वहां पर खड़ी है और वो कह रही है कि भैया आप जो है ना आपने यहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि यार उनकी भी एक परेशानी है कि लोग जो है उनका कहना ना मानकर आगे बढ़ जा रहे हैं। अब कोई करे तो कितना करे। आ जाओ चलो बेटा। तो इस ग्राउंड के बाद हम चले सीधे घर को।